तुम एक बार ट्राई करो हेप्टाथलन। मैंने हेप्टाथलन होता क्या है सर, ये कैसी लड़की है, इतना शॉर्ट हाइट है। हम जैसे भी है हम ठीक है, हम अपने लिए ठीक है, परफेक्ट है। हिप्टा एक कमन इवेंट है, एथलेटिक्स का टफेस्ट इवेंट है, और इसमें 7 इवेंट रहता है, जैसे 100 मीटर हर्डल्स, हाई जंप, शॉर्ट पुट 200, फिर रहता है लॉन्ग जंप 800 और जैवलिन। तो ये 7 इवेंट के लिए बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है, एक एक टेक्निक, मतलब वो सोच के दूसरा और कोई जगह पर कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। और ये उसी के साथ ये पैर का दर्द, उफ, मतलब क्या बोलूं। लोग हमें ये बोलते हैं कि आपका 6 उंगली है, आप आगे जाके अच्छा नहीं कर पाएंगे, आपका हाइट शॉर्ट है तो आप शायद आगे नहीं जा पाओगे, आपका जो इवेंट है उसके लिए आप सूटेबल नहीं हो। तो हमें लगता है कि हम जैसे भी है हम ठीक है, हम अपने लिए ठीक है, परफेक्ट है। एक्चुअली बात क्या है, मैं जब 2012 में शाई में आई थी बस हाई जंप के लिए आई थी, लेकिन वहाँ पे सैर और बहुत लोगों ने भी बोला था ये कैसी लड़की है, इतना शॉर्ट हाइट है, ये कैसे हाई जंप करेगी। तो ऊपर से हाँ, मुझे भी खुद को लगा था कि मैं हाई जंप कैसे करूँगी, सब लोग ऐसे बोल रहे, तो कोई बात नहीं, मैं सैर के ऊपर विश्वास तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो सैर जो बताएंगे मैं वही करूँगी। तो सैर ने मुझे 2013 में मेरा इवेंट चेंज कर दिया, बोला कि सपना तुम तो पहले से, तुम्हें हाई जंप आता है, लॉन्ग जंप भी आता है, और रनिंग तो हर कोई कर लेंगे, रनिंग के सिवा तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तो एक काम करते तुम एक बार ट्राई करो हेप्टाथलन। अरे हेप्टाथलन होता क्या है सर, तो फिर उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया कि ये वो ये होता है, तो मैंने बोला हाँ ठीक है हम करते हैं। में तो मैं बस एक ही कंपटीशन किया, दो कम्पटिशन किया, एक एशियन चैम्पियनशिप, एक शायद फेडरेशन कप। तो इसके बाद मैं चाहती हूँ, मैं खुद ही चाहती हूँ कि मैं अभी, मेरा जो इंजरी था, अगर मेरा एम ओलंपिक है तो मैं चाहूँगी मेरा इंजरी पूरा ठीक हो जाए। तो मैं अभी इंजरी के ऊपर ध्यान दे रही हूँ, मैं रिहाफ कर रही हूँ अभी कंटिन्यू, हर दिन करती हूँ। तो नेक्स्ट मेजर जो टूर्नामेंट है वो आपका ओलंपिक है, और उसका क्वालिफिकेशन मार्क 6420 है। Yes. तो स्वप्ना अभी कितने पास या कितने दूर है? थोड़ा दूर में हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करूँगी मैं 100%। तो 2020 में जो भी कॉम्पिटिशन रहेंगे वो मैं करूँगी।